दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए जेएमडी न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख पाए लेटेस्ट न्यूज वीडियोस सबसे पहले। मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी ने श्लोका मेहता से गोवा में एंगेजमेंट की, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। लोकल न्यूज वेबसाइट नागपुर टुडे की माने तो आकाश और श्लोका की शादी साल के अंत तक हो जाएगी। बता दें, श्लोका हीरा कारोबारी रसेल मेहता की सबसे छोटी बेटी हैं। वहीं आकाश देश के सबसे धनी उद्योगपति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी के सबसे बड़े बेटे हैं। मुकेश अंबानी हमेशा रॉयल लाइफ और बिजनेस को लेकर चर्चा में रहते हैं। नीता अंबानी भी IPL और सामाजिक काम करके चर्चा में बनी रहती हैं, लेकिन उनके बच्चे लाइमलाइट से दूर रहते हैं। वो कैमरे पर बहुत कम नजर आते हैं। लेकिन क्या आप मुकेश अंबानी के बच्चों अनंत, आकाश और ईशा की पॉकेट मनी के बारे में जानते हैं? जब वो स्कूल में पढ़ा करते थे तो उनको कितनी पॉकेट मनी मिलती थी, ये राज खुद नीता अंबानी ने खोला था। आई दिवक के दिए इंटरव्यू में नीता अंबानी ने बच्चों को लेकर एक किस्सा सुनाया था, जहां उन्होंने कहा था, जब मेरे बच्चे स्कूल जाते थे तो मैं उनको हर शुक्रवार 5 रुपए देती थी, जिससे वो स्कूल कैंटीन में खाना खाते थे। एक वक्त की बात है जब मेरा बेटा अनंत दौड़कर मेरे पास आया और बोला कि 10 रुपए चाहिए। जब मैंने सवाल पूछा क्यों, तो वो बोला स्कूल के दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं सिर्फ 5 रुपए लाता है, तू अंबानी है या भिखारी। ये सुनकर मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि मुकेश अंबानी ने पैसे बचाने की कला अपने पिता से ली है, जिससे वो कामयाब भी हुए और वो चाहते हैं ये कला उनके बच्चे भी सीखें। इसलिए नीता ने बच्चों को कम में ज्यादा का पाठ पढ़ाया। नीता ने यह भी कहा, मैं अपने बच्चों को आम बच्चों की तरह ही रखना चाहती थी, इसलिए मैंने कभी उन्हें अमीर होने का एहसास नहीं कराया। काफी चर्चा में रहते हैं अनंत अंबानी। एक समय था जब अनंत अंबानी काफी हेल्दी हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने वजन कम किया तो वो चर्चा में आ गए। वो अक्सर IPL मैचों में अपनी टीम मुंबई इंडियंस को सपोर्ट करते नजर आते हैं। वो कई बॉलीवुड सेलेब्स के साथ भी पार्टी करते दिख चुके हैं। यदि दोस्तों आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ।